सबसे पहले किसी माशरे के अंदर जो इर्तियाश पैदा होता है, जो कॉन्फ्लिक्ट पैदा होता है, जो इख्तलाफ पैदा होता है, वो इनकलाबी लोगों की तरफ से होता है। लोग अपने माहौल में बस रहे होते हैं, सब लोग अपनी तकदीर पर साबिर और शाकिर, गुलाम समझते हैं ये हमारी तकदीर थी कि हम गुलाम हैं, गुरबा समझते हैं कि हमारी तकदीर थी कि हम गरीब हैं, और इनकी तकदीर है कि ये अमीर हैं। लेकिन ये कि एक एतबार से वहाँ चाहे आप उसे फाल्स कहें, गैर हकीकी कहें, लेकिन अमन होता था, कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं, कोई तसामुद नहीं, कोई गुलामों ने बगावत नहीं की थी मक्के के अंदर, कोई अमीरों ने गरीबों के ऊपर धावे नहीं बोले थे। इस माहौल में जब हुजूर ने खड़े होकर कहा यह निज़ाम गलत, तुम्हारे अकायद गलत, तुम्हारा अखलाक गलत, तो जाहिर बात है कि इस तालाब के अंदर पत्थर किसने फेंका? वो तो आ हुजूर ने फेंका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब उसके बाद वो लहरें तो उठनी थी, वो एक फितरी रद्द अमल है।